हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बहुत ही खूबसूरत बना है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा महाकाल कॉरिडोर का फुल टूर कराने वाली हूँ। और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इसके एंट्री चार्जेस क्या हैं, टाइमिंग क्या है एंड पार्किंग चार्जेस क्या हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और हम लोग उज्जैन पहुँच चुके हैं। तो ये कुछ वहाँ की फ़ोटोज़ हैं और ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आगे वीडियो में आपको मैं बता देती हूँ कि क्या पार्किंग चार्जेस हैं। इसमें बस का चार्ज है 50 रुपीज़, कार, जीप एंड अन चार पहिया वाहन के हैं 20 रुपीज़, स्कूटर मोटरसाइकिल के हैं 10 रुपीज़। तो यहाँ पर हम गाड़ी पार्क कर देंगे और आप देख सकते हैं कितनी स्पेस है वहाँ पर, गाड़ी पार्क इजीली हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम जाते हैं कॉरिडोर के अंदर। और फ्रेंड्स, ये है महाकाल कॉरिडोर का एंट्रेंस गेट, जिसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। और यहाँ पर एंट्रेंस एंट्री के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल निशुल्क हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। और अब हम जा रहे हैं अंदर कॉरिडोर के लिए। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में है त्रिवेणी संग्रहालय, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो वो भी आपको ज़रूर वॉच करना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। और त्रिवेणी संग्रहालय का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो ये अभी हम लोग आगे चले हैं, तो आगे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। सो फ्रेंड्स, ये है मेन महाकाल कॉरिडोर का एंट्रेंस, ये है वहाँ का गेट, देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है। एंट्रेंस पर गणेश जी भगवान की मूर्ति लगी हुई है। और जैसे ही हम गेट के अंदर जाएंगे तो राइट साइड में आप देखेंगे ई रिक्शा भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ई रिक्शा वहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए एवं दिव्यांगजनों के लिए रहते हैं। और महाकाल कॉरिडोर पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित किया गया है। और यहाँ भगवान शिव, देवी सती और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़ी करीब 200 मूर्तियाँ और वृत्त चित्र बनाए गए हैं। श्रद्धालु हर एक वृत्त चित्र की कथा इस पर स्कैन कर सुन सकेंगे। सप्तऋषि मंडल, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध, कमल ताल में विराजे शिव, 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन, शिव स्तंभ, भव्य प्रवेश द्वार पर विराजित नंदी की विशाल प्रतिमाएं मौजूद हैं। महाकाल कॉरिडोर देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। और लेफ्ट साइड में है लोटस संग्रहालय, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है, पानी के बीच में शिव भगवान की मूर्ति है। और रात में तो इसका नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है, तो वो वीडियो भी मैंने बनाया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसे आप लोग भी देख पाएंगे कि रात में ये कैसा लगता है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग होती है। और ये है सप्तऋषि मंडल। और ये है त्रिवेणी मंडपम, जो कि बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ये है त्रिपुरासुर संहार का ब्यूटीफुल चित्र।
और उसके आगे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पर ऋतिक ने काफ़ी इंजॉय किया। और ये है नवग्रह मंडल। और अभी हम जा रहे हैं रुद्र सागर देखने, तो ये है वहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। तो ये रात में यहाँ पर लाइटिंग बहुत ही प्यारी होती है तो और भी अच्छा लगता है, तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, लास्ट में वो वीडियो भी ऐड किया है कि ये रात में कैसी लाइटिंग होती है और कैसा लगता है। और आगे जाएंगे तो राइट साइड में है भारत माता मंदिर। सो फ्रेंड्स, ये है महाकाल के दर्शन करने के लिए प्रवेश द्वार, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो वहां पर मोबाइल अलाउ नहीं है तो आप लोगों को अंदर के दर्शन नहीं करा पाऊंगी।
और दर्शन करने के बाद जब हम लोग आए तो रात हो गई है, तो ये रात का भी मैंने वीडियो बना लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कैसा लगता है रात में वहाँ जब लाइटिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टूर हमारा ख़त्म होता है। ये हम आ गए हैं एंट्रेंस गेट पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, ये है वहाँ का मार्केट एंड फूड एरिया, जहाँ पर सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं। यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।